हमने इस गाड़ी को 30 दिन में कंप्लीट तैयार करना है और आज है पांचवा दिन। ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। पूरी तैयार करनी है जितना हम करते हैं ना पूरी। नहीं हाँ नहीं तैयार होगी। लेकिन फिलहाल इस गाड़ी के दो बड़े अहम मसले हम फेस कर रहे हैं। मसला नंबर एक ये है कि इसकी फ्यूल एवरेज बहुत खराब है। मसला नंबर दो ये है कि इसका ABS काम नहीं कर रहा। क्या आप भी अपनी गाड़ी की चाबी से परेशान हैं और आप शर्माते हैं ऐसी चाबी अपने दोस्तों के सामने रखने से? तो आइए इस चाबी को थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं। चेक करो गाइस, ये होती है ना चाबी, ये होती है चाबी। मजा आया कि नहीं? लेकिन आपको तो पता ही नहीं है, आपको तो ये मैजिक ही नहीं आता करना। चलो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करते हैं। भाई मैंने तो ट्रांजिशन और चुटकी बजा के चाबी चेंज कर ली है, लेकिन अब आपने कैसे करना है मैं आपको बताया। तो यार देखो मैं तो मैजिशियन हूँ ना, आपको तो पता नहीं है, आपको तो समझ नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, आपने ये डब्बा जाके खरीद लेना। भाई दुकान पे जाओगे या ऑनलाइन सर्च करोगे ना, शायद प्रॉब्ली आपको ये इसकी की केसिंग मिल जाएगी, जो स्टाइलिश की केसिंग होती है। इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो आपकी चाबी को जरा खूबसूरत शेप दे देती है, अच्छी लगती है चाबी। कहीं पड़ी हुई ना, महंगी गाड़ी की चाबी लगती है। तो आओ ये चाबी लगा लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये लगती है। चाबी चेक करो गाइस। वैसे चाबी एक बात है, चाबी में बड़ी जान होती है गाइस। चाबी इतनी अच्छी है, गाड़ी इतनी मनहूस है। अभी फिलहाल इंशाल्लाह होपफुली ये ठीक हो जाएगी, ठीक है, मजेदार हो जाएगी, अच्छी बना लेंगे हम इस गाड़ी। फिलहाल की अपडेट ये है गाइस कि आप लोग देख सकते हैं गाड़ी पे काम चल रहा है, ठीक है, और हमारे पास वक्त का मुकाबला सख्त भी चल रहा है। आज का डेट है जी आज सितंबर 5, एग्जैक्टली आज का दिन निकाल के हमारे पास 25 दिन रह जाएंगे और हमने अभी तक ये चाबी बनवाई है। कल के दिन आपका भाई बड़ा डीमोटिवेटेड था, बहुत ज़्यादा निराश, बहुत उदास था, क्योंकि हमें खबर भाई ने डीमोटिवेट ऐसा किया कि हम सोच रहे थे कि यार हमने ये चैलेंज जो अपने गले में डाल लिया है ये गले ही ना पड़ जाए क्योंकि बहुत कम समय है हमारे पास, बहुत कम टाइम है, समय कह रहा हूँ, और हर गुजरते दिन के साथ काम भी बढ़ता जा रहा है गाइस। तो ये बड़ा मसला हो रहा है हमारे लिए। अगर हमारा ये एग्जॉस्ट वाला मसला हल नहीं होता तो हमें किट चेंज करनी पड़ेगी। एग्जॉस्ट का या धुआं इसके ऊपर आता रहेगा, किट पिघल जाएगी और ये दोबारा यही हाल होगा जो अभी हाल हुआ होगा। ये मामला चल रहे हैं गाड़ी पे। बेसिकली आज का जो व्लॉग है ना गाइस वो बेस्ड है गाड़ी की एवरेज पे, ठीक है, एक गाड़ी की एवरेज, दूसरा इस गाड़ी का ABS का मसला। एवरेज का मसला जो है ना सारे रिलेट कर पाएंगे जितने भी हजरात देख रहे हैं। आज आपका भाई खसूसी तौर पे फ्यूल एवरेज पे वीडियो बनाने लगा है क्योंकि पेट्रोल जो है वो होते आ नहीं रहा, हाथ नहीं चढ़ रहा, बहुत महंगा होता जा रहा है, और अगर आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज ख़राब है तो आपको वो इन अ वे नुकसान ही दे रही है गाड़ी। तो आप अपनी गाड़ी की फ्यूल एवरेज कैसे बेहतर कर सकते हैं आज का ब्लॉग बेसिकली हम उस पर रखेंगे, और इस गाड़ी का जो मैकेनिकल मसला है ना ABS का वो बड़ा ज़रूरी है, हमने वो क्लियर कर रहा है। ABS का बहुत बड़ा इशू है, जब हमने गाड़ी ली थी तब भी ब्रेक्स में इशू था लेकिन ABS शो नहीं हो रहा था। हमने मीटर चेंज किया है, ECU क्योंकि चेंज होता है इसका क्रूज़ और ये सारा लगने के लिए, तो गाड़ी ने बताया कि आपका ABS ख़राब है। वो पिछले भाई साहब ने छुपाया हुआ था आपसे, मैं आपको बताया था, सच बताया था हकीकत कि आपका जो ABS है वो उड़ा हुआ है। तो ABS जो है हमने चेंज करवाना है। ये फिर आई रिक्शा आ गया यार, क्या यार आज सारे के सारे चाह रहे हैं वीडियो ना बने इसकी। खैर जी, पिछला कंप्यूटर हमें ये इनकार कर रहा था बताने से कि आपका ABS ख़राब है या ये चीज़ ख़राब है, लेकिन इस कंप्यूटर ने हमें कहा कि आपका ABS ख़राब है, अपना ABS काइंडली मेहरबानी करके चेंज करा लें। ABS हमने मंगवा लिया बिलालगंज से अपने कारीगर रेस्टो मोड्स, और साथ ही साथ एक और चीज़ मंगवाई है, वो वर्कशॉप जाके आपको बताते हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल का हिस्सा नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और इंस्टा पर आप फॉलो भी कर सकते हैं। आ जाएँ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, आज की स्टोरी, और देखते हैं आगे के 25 दिन में हम इस गाड़ी को इनर आउटर कंप्लीट मॉडिफाई कर पाते हैं या नहीं। है तो मुश्किल काम लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। होप्स आर हाई और बाकी आप वेल विश तो कर ही सकते हैं कमेंट में, थोड़ा मोटिवेट करो यार भाई को, बहुत ज़रूरत है मुझे इस चीज़। चलें चलो लेट्स गो। तो गाइस एक चीज़ तो हम भूल ही गए थे, गाड़ी चाबी से लॉक अनलॉक हो रही है। अच्छा अब लोग सोच रहे होंगे ये कितना शोखा बच्चा है, कितना गरीब आदमी है, गाड़ी लॉक अनलॉक करके कुछ हो रहा है। असल में ना इसके पीछे ज़रारत बड़ी घाटी है। जो लोग पिछले व्लॉग्स फॉलो कर रहे हैं उनको फील हो गया होगा, जो लोग नहीं कर रहे वो यही समझ रहे होंगे ये क्या यार, ये तो शोखियाँ मरी जा रहा है। तो चलते हैं, लेट्स गो। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह। अच्छा ठीक है, पहन लेते हैं, क्या हो गया?
पता नहीं बॉस किस जवाब में फंस गए हैं, पता नहीं क्या ये क्या बनेगा इस लाहौर की ट्रैफिक का यार, अल्लाह माफी करे। वैसे यार वैसे कैसी ज्यादती वाली बात है यार, ट्रैफिक देखो पिछले 20 मिनट से मैं एक ही जगह पे स्टक था, कैन यू गाइस बिलीव इट, मतलब एक जगह पे गाड़ी स्टिल थी, पार्किंग में डाल के चिल कर रहा था, कभी चिल तो नहीं कर रहा था, अजियत हो रही थी यार कि ये क्या हो रहा है, आगे किसी ने ब्लॉक की होगी अपने प्रोटोकॉल सिस्टम के लिए और बेड़ा गर्क कर दिया सारी ट्रैफिक का, पीछे तक लाइन लगी हुई है। खैर एनीवेज थानो जो है ना बेचारा वी सेंटर में वेट कर रहा है हमारा, वो बकरा जलील हो रहा होगा बेचारा, उसको मैंने कहा तू रुक मैं अभी आया, पिछले आधे घंटे से मेरा वेट कर रहा है, अभी चलते हैं देखते हैं उसके क्या तासुरात हैं। चेक कर चल क्या बात, क्या सही कि नहीं, किचन देने वाला था आज, मजा आया ना, मैं तो किचन देता लेकिन ये तुमने सही किया। चल दे दे वापस पैसे पूरे हो गए, बैजर नहीं टूटती है सर, क्या हो गया यार, एक तो डरती डर ही जाता दो यहाँ पे शहीद हो गए हमारे बंदे। गाइस एज यू गाइस कैन सी हम लोग पहुंच, ओहो ये शायद होगी हमारी गाड़ी, ओ अच्छा ये रही हमारी अपनी गाड़ी, हमारा रॉकी, ओ भाई देख के आने दो आने दो आने दो आने दो, इधर रखो बस 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 बस, ओ खराब हो जाएगा अभी लग जानी थी गाइस, लेकिन है रीबॉर्न ड्राइवर है उसको पता है कितना फासला रखना है, और ये चेक करें गाइस फर्क, दिस इज स्टॉक बम्पर दिस इज हाइब्रिड बम्पर, थोड़ा सा एग्रेसिव है, एक्सटेंडेड किट लग जाए और अच्छा लगे ये बम्पर। खैर एनीवेज बोनट खोल दे जरा भाई, जो बोनट टक करके खुलता है तो हमारा वैसे भी। सो बॉयज इंजन इंजन खोल दिया हमने ठीक है, इधर अब जो है ना पंखे का मुंह थोड़ा सा उधर कर देते हैं ताकि हमारा इंजन थोड़ा सा ठंडा हो जाए, कूल डाउन हो जाए, और फिर इस पे काम स्टार्ट हुए। आज इसकी जनरल ट्यूनिंग होगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि गाड़ी से बेहतर एवरेज कैसे निकालते हैं। ओके गाइस ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा एक जरूरी दो तीन चीजें हैं, वो आपकी गाड़ी की अगर साफ नहीं है तो गाड़ी आपकी कभी भी आपको एवरेज नहीं देगी। और भाई वो पैसे वसूलने हैं, इधर आओ शाबाश, चलो अपनी लाशें लेके फिर रहे हैं। इसको ही पूरा तोड़ दो ताकि आपको वजन ज्यादा ना उठाना पड़े यार, ये मैंने तोड़ी है उसका तो और बेड़ा कर किया ना तूने, तो चलो फिर तीन किस्तों में गिरा था। दो यार कुर्सियां दो ले आई, इसका कुर्सियों का काम तो नहीं है, कह रहा कलर कौन सा पिंक, कह रहा कलर कौन सा चाहिए बेबी पिंक, ये कह रहा कलर कौन सा चाहिए, ये डोडो ने अब देखे टूटी कैसे, ये सोचे हमने क्या किया होगा उसने बैठ के, बच्चा इधर से निकल गया देखिए गाइस बेड़ा गर्क हो गया गाइस, आपने उसके लिए जगह बना दी है निकलने के, यार किया क्या तुम लोगों ने यार, वो बैठा हुआ था कुछ भी नहीं हुआ लिटरली गाइस, मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर बाय चीप चेयर्स, ऐसे बैठा हुआ टेक लगा के फुल सुरगेल भाई किधर गायब हो गए हैं, और हाँ सुरगेल भाई ने 18 किलो वेट लूज किया, 18 किलो लूज किया, 180 गेन करेंगे इंशाल्लाह, 18 किलो गुनाहों में लूज किया, अच्छा स्वभाव में सुरगेल भाई मैं वर्कशॉप नहीं ना आ रहा, चूना लगाने का मौका नहीं मिल रहा। अच्छा सुरगेल भाई गाड़ी की जो है ना किस्मत थोड़ी सी खराब चल रही है, एक तो एवरेज अच्छी नहीं दे रही, दूसरा एबीएस की लाइट आ रही है, एबीएस आ गई है, एबीएस आ गया सामान, वो सामान भी आपको दिखाते हैं गाइस, एक सेकंड जरा रुके आपको दिखाते हैं सामान, एक एबीएस चेंज होना है, दूसरा इंजन ही मंगवाना पड़ेगा, नहीं ये उतार लिया था बारिश में अब दोबारा लगा लिया। तो बॉयज अपडेट ये है कि एबीएस जो है ये मेरे हाथ में, आप देखो ये एबीएस है ठीक है, अब दुआ पता है क्या करनी है कि ये एबीएस चल जाए। यार हमने एबीएस चेंज करना है ठीक है, एबीएस में जो है ना ये आपको चार पाइप नजर आ रहे हैं जो हर एक टायर का, ये दो इनपुट के हैं ना, ये चार आउटपुट के हैं, तो दो होता क्या के तो चार तो आउटपुट, मुझे रात को समझाऊंगा। ये इसकी ना ये इसकी मो
मोटर है, ये जब आपके टायर लॉक होने लगते हैं ना, हाँ। ये क्या करती है कि बार बार खुलती है और बंद होती है, जिसकी वजह से आपके टायरों को जो बोलना तू बोलना तो टायर स्किट नहीं होता जो स्किट। हाँ हाँ चलाओ जोर से चलाओ थोड़ी जो ही स्किट होने लगती है ना। अच्छा गाइस एबीएस हमने चेंज करना है और हमने ये मोटर लगानी है विंडो साइड में। ओके लाफिस बाय बाय गाइस। आप ये देख रहे हैं ये शीशे में मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, इस वजह से ये आके जो चैनलों में फंसता है और आके तंग होता है ये वाला शीशा। साथ ही साथ एक और मसला है, तो विंडो की मशीन है पूरी, वो चेंज करने लगे हमने। अफान भाई ने मशवरा दिया था कि ये पूरी मशीन चेंज करना वरना आप इसमें अजाब में पड़ रहे हो, कभी ये चलेगी कभी नहीं चलेगी और हम यही मसला फेस कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी हमने मशीन विद मोटर मंगवा ली है इस विंडो के लिए, ये भी चेंज करवानी है। साथ ही साथ एबीएस और जनरल ट्यूनिंग पे ध्यान देंगे हम, काम करना है। बॉयज अपडेट ये है कि इसका टैपेट कवर यहाँ पे निकल गया, ठीक है। अब मेन चीज ये है कि कल जब हम वर्कशॉप आए थे लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, तो हमें इसमें से इसके टैपेट्स की आवाज भी आ रही थी। बेसिकली टैपेट्स यहाँ से कोई इन्होंने सेटिंग करनी होती है, इसके अंदर कोई पता नहीं कोई सुराख सुरूख होता है, ये यही भाई बेहतर बताएंगे। यार भाई ये टैपेट वाला क्या सीन है, ये आपकी वाल्व स्टेम्स आ रही हैं ऊपर, आ रही हैं। ये आपके एग्जॉस्ट साइड के दो वाल्व हैं सिलेंडर के, ये इंटेक साइड के दो वाल्व, ठीक है। इसी तरह यहाँ के दो एग्जॉस्ट के, यहाँ 16 वाल इंजन है ना, 16 वाल। ये जो है ना आपकी ये सिंगल ओवरहेड कैम इंजन है, ठीक है, ठीक है। सिंगल कैम आप देख रहे हैं, ओके। ये जो इनके रॉकर्स है ना, बेसिकली जो क्लियरेंस आपकी होती है वो होती है आपकी वाल्व स्टेम और आपके रॉकर के दरमियान की क्लियरेंस, ठीक है। अभी क्लियरेंस होती है 8 होती है इधर की आपके इंटेक साइड की और 10 होती है यहाँ की, ठीक है। बट ये चेक करने के लिए फीलर गेज आपने इस्तेमाल करनी होती है जब इंजन जो है वो रूम टेम्परेचर पे हो, यानी कि 30-60 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान टेम्परेचर हो, वो इसलिए क्योंकि लोहा जो है ना वो गर्म होने के साथ एक्सपैंड करता है। अभी काफी गर्म है ये, ठीक है। अगर इस वक्त हम लोग इसको फिलर गेज लगाएंगे तो ये एक्सपैंड हुआ होगा और क्लियरेंस बहुत कम शो करेगा। अगर हम अभी के हिसाब से क्लियरेंस सेट कर देंगे ना जब ये ठंडा होगा तो क्लियरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, ऊपर ट्रैक कर जाएगा लोहा, ठीक है। अब इसको खोलने का मकसद ये है कि इसको हम ठंडा करें ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आए, जिसको घंटा डेढ़ लगेगा इस मौसम के हिसाब से, उसके बाद फिर हम लोग इसे क्लियरेंस चेक करेंगे, ठीक है। ये जो देख रहे हो आप, ये जो आपको नजर आ रही है बेसिकली ये आपकी वीटेक की लोब्स हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आपका वीटेक एंगेज होता है ना ऑयल के साथ, तो आपकी टाइमिंग बढ़ाने के लिए ये जो सेंटर में लोब आपको नजर आ रही है ना, इधर आओ, ये देखो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे दो पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ, एक आगे तरफ। ये जो आगे की तरफ है ना ये एंगेज हो जाती है जब आपका वीटेक एंगेज, ठीक है। और उसके बाद फिर आपकी टाइमिंग चेंज होती है, तो ये एडवांस रिटार्ड इसके साथ हो रही है, सही। जो डुअल ओवरहेड कैम है ना उसमें जो वो क्या नाम है डुअल वीवीटीआई होता है, इंटेक का अलग होता है, जिस तरह जो टोयोटा के अंदर आ रही है वो डुअल वीवीटीआई लिखा होता है उसमें इंटेक का अलग है, एग्जॉस्ट का अलग है। जो ये सिंगल ओवरहेड कैम इंजन है तो इसमें एक ही वीवीटीआई होता है, ठीक है, वीटेक होता है, ठीक है। अगर ये खराब हो किसी की आउट हो ये, तो उसका फर्क क्या आता है? आपको डिले फील होगा कई बार पिक के अंदर, गाड़ी बैठी फील होगी, घुटी की फील होगी। फ्यूल एवरेज, फ्यूल एवरेज हाँ एक हद तक अगर बहुत खराब हो तो, लेकिन अगर उसी चीज का फर्क हो तो फ्यूल एवरेज में इतना नहीं फर्क आ रहा होता जितना शायद आपके कैटलिटिक कन्वर्टर की वजह से आ रहा हो या बुरे प्लग्स की वजह से आ रहा हो। बट एवरेज के लिए क्या चीजें साफ होनी जरूरी है ये बताएं? पहले कैटलिटिक कन्वर्टर, ठीक है, कैटलिटिक कन्वर्टर, हाँ। ये इंजेक्टर्स तो लगे हुए ना, ये मिसकंसेप्शन है इंजेक्टर्स से, अनलेस के वो लीक ना हो आपकी एवरेज पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपके कैटलेटिक कन्वर्टर, आपके प्लग्स, दो चीजें इन इंजन में एटलीस्ट, ठीक है। कैटलेटिक कन्वर्टर और प्लग्स दो मेन चीजें हैं, उसके बाद इंजेक्टर्स, थ्रॉटल बॉडी, बटरफ्लाई कहते हैं लोग बहुत कुछ। थ्रॉटल बॉडी के अंदर आपकी बटरफ्लाई आ गई, नहीं वो वाली बटरफ्लाई है पीछे वाली इनटेक बटरफ्लाई, हाँ वो मैनिफोल्ड वो 70,000 किलोमीटर की होती है, उससे एवरेज से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा यार, ये तो ना मुझे समझ नहीं आती है, लोग अपनी तरफ से वो वीडियोस बना देते हैं उनको, ये वीडियोस मैं देख के ही आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि बहुत वीडियोस बन रही हैं सोशल मीडिया साफ कर रहे हैं बेसिकली। ये हर थ्रॉटल बॉडी के ऊपर ना एक ITB है समझ लो, ये एक्चुअली ITB नहीं, ITB कुछ और होती है, बट ये एक इंडिविजुअल थ्रॉटल बॉडी की तरह की चीज बनाई हुई है। बेसिकली क्या करती है, इसमें एक एक्चुएटर लगा होता है, जो ही आप एकदम पैर देते हो ना मैनिफोल्ड, अगर पड़ा होता है ना इसका मैनिफोल्ड जो है ना वो इस तरह बना हुआ, ठीक है। उसमें हवा ऐसे जा रही है और ऐसे सर्कुलेट होके आ रही है नीचे, ठीक है। जब आप एकदम पैर देते हो एक्चुएटर खोल देते हो उसको, और वो बजाय इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद हवा एकदम वो डायरेक्ट अंदर चली जाती, ठीक है। बस वो आपकी जो ये एकदम जो रिबॉन के अंदर लोगों को वो जो एकदम पिक फील होती है ना, वो उसकी वजह से होती है, ठीक है। कि आपकी जो एयर आ रही है ना अंदर, उससे एवरेज में फर्क नहीं पड़ता। एवरेज जिस तरह VVTI आपकी एवरेज कंट्रोल कर रहा होता है ना, ये पकड़ी जरा, कि जब तक आपने पैर नहीं दिया तो आपकी टाइमिंग उसने रखी हुई है फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, यानी आपने पैर दिया तो उसने आपकी टाइमिंग कर दी है मोर पावर के लिए। ये भी इसी तरह ही होता है कि जब तक वो बंद रहेगी वो फ्यूल एफिशिएंसी के लिए काम कर रही है, जब वो खुल गई है तो वो पावर के लिए काम कर रही है। वो जो एक रिस्ट्रिक्टेड एयर फ्लो दिया होता है ना उसने, ठीक है, उसे खोल देती है, सही है। दैट्स अबाउट इट, उससे एवरेज पे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मेनली रीबॉन की एवरेज ठीक करनी होगी इसीने, वो क्या चीज ठीक करे, कैट अपना और कैट और प्लग्स, कैट प्लग, और फिर अगर आपके टापर खराब हुए हैं तो वो, दैट्स इट, और कोई भी नहीं। इंजेक्टर्स, हां इस
इसके अंदर एक चीज मैंने नोटिस किया कि एयर फिल्टर से बहुत फर्क पड़ता है रेबॉन के अंदर एवरेज, जेन्युइन डालने से फर्क पड़ता है, जेन्युइन है इसका 3000 रुपए का, हां 1.5-2 किलोमीटर का, वो तो आपको पैसे पूरे हो जाते हैं ना आपके ओवर द कोर्स ऑफ 5000 किलोमीटर, आपके पैसे पूरे हो जाने हैं जो आपने चेंज कराने हैं आपके, वो पेट्रोल में वो पैसे पूरे कर देगा। सही है, ठीक है। तो इंजेक्टर्स का फर्क नहीं पड़ता यार, इंजेक्टर्स का काम है स्प्रे करना, अगर वो स्प्रे कर रहे हैं ना, और मिस्ट अगर वो ओवर स्प्रे कर रहे हैं। हाँ, वो ओवर स्प्रे क्यों कर रहे हैं, वो ओवर स्प्रे कर रहे हैं इसकी वजह से, ये कह रहा है कि भाईजान ये कह रहा है कि हाँ हवा चल रही है, हमें पेट्रोल और भेजो, फिर मसला इसका, ठीक है। वो ओवर स्प्रे सिर्फ उस केस में करेंगे अगर ओटू उन्हें कह रहे हैं कि ओवर स्प्रे करो, वो छोटे इंजेक्टर लगा लेना, इससे कोई मसला हल नहीं होता। तो नंबर 1 इज कैटालिटिक, नंबर 2 इज प्लग्स, उसके बाद बाकी चीजें। मैं कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ ही ओटू सेंसर को लेके आ रहा हूँ, ऊपर का ओटू कैट और फिर नीचे का ओटू, ये मैं इसको एक यूनिट कंसीडर कर रहा हूँ, एक साथ लगे हुए होते हैं, पहली चीज ये है। ओके, अगर आपका ये ठीक है तो बाकी, अगर आपका वो ओटू आपका सॉरी इंजेक्टर लीक है ना, तो पीछे काला धुआं मार देगी वो, ठीक है, चल जाता है इंजेक्टर। ओके, तो हम ये आज ये सारा कुछ करने जा रहे हैं जिसका बताया आपने। बताने का मकसद ये कि मेरे बहुत ज्यादा फोन आ रहे हैं, लोगों की वीडियोस देखकर ना मुझे बहुत फोन आ रहे हैं कि जी हमारी एवरेज खराब है इंजेक्टर, वो हर फोन के ऊपर मुझे 5 मिनट लगाने पड़ते हैं सर को समझाने के लिए कि इंजेक्टर से आपकी एवरेज नहीं होती, ये इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बताए सवाल आपका। ओके, बस यही सवाल है कि बाकी ये सारी चीजें करने लगे हम साहब, जिस जिस बारे में बात हुई है, इंटेक मैनिफोल्ड, बटरफ्लाई, नहीं मैं क्यों लगाऊं, गरम जब हाथ लगाओगे और हाथ रखा जाएगा ना 3 सेकंड के लिए, तो फिर हम काम कर सकते हैं इसके ऊपर। ओके, तो 3 सेकंड, 1, 2, 3। ओके, फिर पंखा लगा दें इसके लिए। ओके, नहीं थैंक यू सर, मेहरबानी। भाई बाकी गाड़ी पे काम स्टार्ट हो गया, मुजम्मिल भाई आपने फ्री होके ना ये विंडो का पूरा ये मोटर बदलनी है, और एक बात ध्यान में रखी, शीशा जो अंदर वो मूव करता है ना, उसको एक दफा एक जगह पूरा कर दें, ठीक है, क्योंकि वो जो मूव करता है वो अट जाता है बाजू का, स्विच चेंज कर दिया, वो नया लगा लिया, वो टक करके ऊपर जा रहा, टक करके नीचे जा रहा। A few moments later. So boys, update ये है कि उस्ताद मुजम्मिल ने एक अकलमंदी ये की है कि वो वाला उतारने से पहले, क्योंकि उतारना इसको कुछ सूखा काम नहीं है, वो वाला उतारने से पहले इसको ग्रिप इसके साथ लगा के देखते हैं कि ये रीड हो भी रहा है, अंदर कम्युनिकेशन हो पा रही है या नहीं, अगर ये भी शैम्पू हुआ तो वो अजाब पड़ जाना दोबारा चेंज करने में, तो ये चेक करके मुजम्मिल ताना कि ये ठीक है या नहीं, वरना उसे कहेंगे फिर भेज दे दूसरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और ये कम्युनिकेशन अगर यहाँ से कामयाब हो गया तो होपफुली हमारा मसला हल हो जाएगा, अगर कम्युनिकेशन ना हुआ तो मतलब ये भी ABS वाले गए। शायद आपके जहन में ये आ रहा होगा कि यार वायरिंग शायरिंग में भी तो फॉल्ट हो सकता है, वायरिंग जो है मुजम्मिल ने कल चेक कर ली थी, उस पर तसल्ली है अपनी कि वायरिंग इज ऑल क्लियर, अब ABS हमारा फॉल्टी है ये तो 100% श्योर है, अब देखते हैं ये दूसरा वाला चलता है या नहीं चलता है। ओ भाई क्या आगे पीछे करी जा रहे हो, हेलो लग जाएगी यार, क्या कर रहे हो, क्या हुआ यार, वो दरवाजा खोलना जरा गाड़ी थोड़ी। अच्छा हो गया ठीक है, ABS नहीं देख रहे हैं, कितना को देखना है, कर दो ठीक, कितना टाइम से गाइस, तब 12 बजेंगे, आपको कहा था मैंने ऐसे तो नहीं होता है, जब दूसरा वो था ना कंप्यूटर इसमें तो चैनल वगैरह कनेक्ट हो रहा था लेकिन ABS की वो कोड शो करती थी, तो बस ये वो आपसे कंफर्म करना था कि हो सकता है कि वो ये ECM ये लगा और इसकी वजह से मसला आ गया हो ना, इसके EPS में वो कोड शो कर स्कैनर कनेक्ट हो रहा है ना ABS में, वैसे हमने ये ABS लगाया हमारी वो लाइट क्लियर हो गई है, वो जो आती है और चली जाती है, दूसरे ABS पे वो लाइट नहीं जा रही। वो तो आपको पहले इनको भाई को बताया था ना, लेकिन हम इनको आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं ECM की वजह से कोई कोड वगैरह या कोई रीड ना करे। बस एक दफा कंफर्म करना था, मैंने कहा वो कह रहे हैं पहले इसमें कोड थे, वो स्कैनर भी लगाया तो बाकी सारी चीजें चेक कर दी, ऐसा तो कोई मसला नहीं नजर आया कि वो और कोई हो जिसमें ऐसे ऐसे लगे। डर गई ये माइक ही बढ़ जाए उनका जिस तरह तुझाव कर रहा है ना बेटे, चलना ही नहीं है। मेरे साथ ना करना बस, यार ये अब कल आधा हो गया। और बड़ी जगह पे होता है यार, वेले बहुत रहे हैं। तो यार तू कर तो सीजू, तू कह रहा था यार मैं सामने आ जाता हूँ।
वो इस गाड़ी को भी इस तरह इस हालत में हम छोड़ के जा रहे हैं। कैट शैट गाड़ी का खुल चुका है, ठीक है। अभी भूख किधर गया क्या कैट? ओए बिल्ली किधर गई? वेश बिल्ली वो पीछे अच्छा बाथरूम बिल्ली जो है यहाँ से गई हुई है गाइस। उसके अलावा ये अभी इसका पीछे वाला मैनिफोल्ड खुलना है, ठीक है। रश बहुत ज़्यादा है तो टाइम भी लग रहा है इस काम में। हम जरा जा रहे हैं जरूरी काम से, थोड़ी देर बाद जब ये गाड़ी पूरी कंप्लीट हो जाएगी वी विल पिक इट अप फ्रॉम हियर। सो वाइज अपडेट ये है कि हम अली भाई की तरफ आ चुके हैं, ठीक है। गाड़ी में अभी है मजीद टाइम, हमें जो अंदेशा लग रहा है ना, जो हमें लग रहा है मोटा मोटा वही लग रहा है एटलीस्ट 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। अभी टाइम क्या हुआ? 9 बज गए। क्या बज गए? 9 तो आपके 12 की बजे होंगे। ये बात गाइस बहुत थकावट होगी यकीन मानो। आज के दिन ने जितना ड्रेन किया ना, दिन ब दिन ये गाड़ी ड्रेन करती जा रही है यार तबीयत और मोटिवेशन और वो सारी एनर्जी। अजीब बात है, वो 30 दिन वाला पंगा क्यों लिया ऐसा? यार मैंने क्यों किया ऐसे अपने साथ, मुझे बता। ये भी बेचारा कार गए नई कोशिश कर रहा ना, तो ये भी मुझे यही समझा रहा तूने क्यों किया ये हरकत 30 दिन वाली। लेकिन खैर एनीवेज अभी जो है ना जूस पीते हैं, कोई रोटी शोटी खाते हैं। भूख बहुत शदीद लगी है, सुबह नाश्ते के बगैर दिन स्टार्ट किया था, अभी तक इवन खाली पेट चल रहा है। 3 hours later ये सलीम साहब हमारे जदीद टेक्नोलॉजी से काम लेते हुए ये बटरफ्लाईज हैं। हाँ साहब क्या किया इनको आपने? सर्विस की। ये देखें लश कर रही हैं। The next day. So guys, अपडेट ये है कि गाड़ी कल वर्कशॉप से वापस आ चुकी थी। आपको वर्कशॉप की अपडेट कुछ दे दें कि इसका आपने देख लिया होगा जो इसका काम सारा था वो मैंने, लेकिन सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज गुड। जनरल ट्यूनिंग में बहुत गंद निकला है गाड़ी के अंदर से और उसके बाद गाड़ी चलने में बहुत पप्पू हो गई है, लेकिन स्टिल वी आर फेसिंग एन इशू। ये लाइट चली जानी चाहिए जब गाड़ी स्टार्ट होती है, लेकिन नहीं जा रही। इससे कनेक्शन भी हमारा हो गया, जो कनेक्शन का मसला बना हुआ था वो भी रिजॉल्व हो गया, लेकिन गाड़ी की ABS सही काम नहीं कर रही। तो बंदे रहिए, देखते हैं इसका काम कब करवाना है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।